जानता था कि लाइक बच्चे कैसे होते हैं, मुझे नहीं पता था ये चीज, ये चीज मुझे नहीं पता था। तो बाबा लोग क्या हालचाल, तो नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हमारे यहाँ डांडिया फेस्ट है कॉलेज में, और हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट का मतलब वो पूरा ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। तो आज मेरी एक परफॉर्मेंस है, लाइक गिटार आपको पता है मैं बजाता हूँ, अभी वीडियोस उसकी बेड़ा लूँगा। तो एक परफॉर्मेंस है मेरी आज, उसमें आंखों से बताना मैं गाना गा रहा हूँ। तो अभी तैयार होकर निकलेंगे कॉलेज के लिए, तैयार होंगे सब लोग, फिर मेरी परफॉर्मेंस लमसम होगी 1:30 बजे। अभी बज रहा है लमसम सुबह के 9:30-10 बज रहे हैं, तो 1:30 बजे मेरी परफॉर्मेंस होगी स्टेज पे। और मेरी पहली परफॉर्मेंस है यार, मतलब स्टेज पे 200-300 लोग, कितने लोग मुझे नहीं पता कितने लोग बैठेंगे, तो जाएंगे वहाँ पे परफॉर्मेंस देंगे, और मेरी पहली परफॉर्मेंस है यार स्टेज पे। तो सब लोग ऑल द बेस्ट कर देना, तो मतलब दिखाते हैं उसके बाद पूरा ब्लॉग देखो, बहुत मज़ा आने वाली है। और 3 मिनट का गाना, 2-2.5 मिनट का गाना मुझे गाना है, उसमें मुझे टाइम दिया गया है। तो फिर मिलते हैं पूरे ब्लॉग में। प्यार तेरे प्यार का मतलब समझता नहीं जमाना, जमाने की फिक्र नहीं मैं चाहूँ तुम्हें समझाना, हो एक मेरी ख्वाहिश यही कि तुम में है बस जाना, हो जितनी भी मुरादे मेरी मैं पूरी सब कर जाना, कागजों पर सबने अपने लफ्ज लिखे, हमने अपने जज्बात भी सजा के हैं रखे, कागजों पर सबने अपने लफ्ज लिखे, हमने अपने जज्बात भी सजा के हैं रखे, तुम आंखों में देखो हमारी सब समझ जाओगे, तुम आंखों से बताना हम समझ जाएंगे, तुम हल्की सी शर्मा हो जाएंगे, तुम आंखों से बताना हम समझ जाएंगे, तुम हल्की सी शर्माना हम तेरे हो जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस। सिंगिंग परफॉर्मेंस के बाद मुझे मिला फर्स्ट प्राइज, क्योंकि ऐसा नहीं मैंने अच्छा गाया था और सब लोगों ने बहुत गंदा गाया था, इसको काट कर दे, मतलब हाँ यार अच्छा था यार, काफ़ी अच्छा था। अगर आपको गाना अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर तारीफें करना। And the third position goes to, any guesses? For third position in singing, कोई guess तो कर लो, कोई जोश तो दिखाओ, हर्ट कौन हो सकता है, क्या लगता है, कोई एक, कोई भी एक नाम, कोई भी एक नाम बता दो,
नाम नहीं मालूम है, ठीक है हम हेल्प कर देते हैं थोड़ी सी। तीन नाम हम दे रहे हैं, आप उनमें से गेस कर लो। गर्व गुप्ता, हिमांशु, अनीता। अच्छी परफॉर्मेंस के बाद तो मुझे स्टेज पे बुलाया गया, मतलब वो सिंगिंग वाले के लिए नहीं, मुझे बुलाया गया था रैंप के लिए, क्योंकि रैंप में मैंने मतलब पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट उन्होंने कहा कि आप कर लो। 39 नंबर बैच मिला मुझे तो मैंने कर लिया। तो उसके बाद एक इंटरव्यू राउंड हुआ कि इसमें ये देखा गया कि यार चलो कुछ पूछते हैं इनसे। तो साला और सबसे पूछ रहे थे कि प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये कौन है। मेरे से क्या पूछे कि बचपन की कोई एक मेमोरी बताओ, बचपन की कोई एक मेमोरी बताओ जो आपको नहीं समझ में आए। तो मेरा जवाब इतना गंदा मैंने दिया, मैं क्या बताऊँ, मैं हक क्या आया हूँ स्टेज पे। आप लोग खुद ही वीडियो में देख लो यार। Question is, share something which you never understood when you were a child about the world. Sir, can you repeat it please? Something which you never understood during your child. Something which I never understood when I was child. About the world. About the world. The people at your near world. मुझे पहले बचपन में नहीं समझ में आता था कि लाइक बच्चे कैसे होते हैं, मुझे नहीं पता था ये चीज़। ये चीज़ मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं समझ आया, अभी मुझे समझ में आता है। Can I ask you one more question? सबसे पहले इस चीज को मैं बहुत जॉली नेचर का हूँ, आप मेरे से आओ बात करो मैं करूँगा अच्छे से। एंड अगर आप मेरे से मिलोगे तो आप ये नहीं महसूस करोगे कि मैं पहली बार इससे मिल रहा हूँ, ऐसा आपके साथ नहीं होगा। एंड बाकी जितने लोग मुझे जानते हैं, सब लोग यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स खड़े हैं, सीनियर्स हैं, सब मुझे जानते हैं। एंड कि कोई भी अगर आप किसी भी जाके उनसे पूछेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ यार इसको सिर्फ दो दिन से जानता हूँ, उनको ऐसा लगेगा कि मैं इनको काफी दिन से जानता हूँ। तो ये मेरे लिए अंदर इंटरेस्टिंग को भी मेरे अंदर, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको लगता है ये चीज तो भाई बता दो। तो ये है वो अवार्ड छोटा सा जो मुझे मिला था सिंगिंग परफॉर्मेंस में, और इसमें मेरे जायदाद के कागज वगैरह, मतलब जायदाद के कागज नहीं है, डॉक्यूमेंट्स हैं सब। चेन कहाँ गई यार? हाँ तो मैं सर्टिफिकेट दिखाता हूँ यार, मतलब मेरी लाइफ का पहला सिंगिंग सर्टिफिकेट जो मुझे कहाँ रख दिया, एगल गोटिया में जो मैंने एडमिशन लिया था वो मेरी भूल, क्यों लिया एडमिशन मैंने यहाँ। नहीं यार ठीक यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये रहा सर्टिफिकेट कुणाल दुबे सिंगिंग के, फर्स्ट ट्राई से देख लो भाई, उन्हें काफ़ी लोग बोलेंगे कि। और यहाँ पे मेरे डीन का भी सिग्नेचर नहीं हुआ तो वो कराना है। बाकी अवार्ड दिखाता हूँ, अवार्ड के मतलब एक कप मिला यार छोटा सा, लेकिन अवार्ड अवार्ड होता है यार, चाहे जो हो। इसमें अपन चाय पिएगा, हॉस्टल हॉस्टल की गंदी चाय से मैं पिएगा। तो ये दो चीज़ मिला मुझे, दिस एंड दिस। मजा आ गई यार आज तो, मौका बन गया यार तुम्हारे भाई का। 200 लोग थे उनके सामने गाना, फैकल्टी तो एकदम गई कि यार कुणाल मजा आ गया, मतलब सीनियर्स भी तारीफ कर रहे थे बहुत ज़्यादा। एंड तो इसको मैं यहाँ रखूँगा, और ये दोनों अपने जायदाद के कागज। अच्छी चीज़ और मैं दिखाता हूँ, ये देखो जब मैंने गलगुटिया में एडमिशन ना तो गलगुटी वाले मेरा सेल्फी लिए थे कोई मशीन वशीन से, कहीं बेटा हो तुम्हारा काट रहे हैं तुम्हारा फोटो तुम्हारा फोटो ले ले। तो ये कुछ था, बाकी यही सब है, और इसको रख देता हूँ। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो करना है करो, दे मारो जो करना है। एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए जय श्री राम।